कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 जून को नीट परीक्षा देने वाले छात्रों से मुलाकात की। नीट एग्जाम देने वाले छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिलने उनके घर दिल्ली के 10 जनपद पहुंचा। बताया जा रहा है कि कुल 15 छात्रों ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, नीट परीक्षा में पेपर लीक और धोखाधड़ी से प्रताड़ित छात्रों से मुलाकात और बातचीत की। ऐसे लाखों छात्रों का भविष्य नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने इनकम्पिटेंस के कारण अधर में डाला है। देश के युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि अन्याय के विरुद्ध उनके साथ खड़ा रहूंगा। राहुल से मिलने वाले नीट अभ्यर्थियों ने एनटीए को बैन कर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की है। इस मांग पर राहुल गांधी का क्या कहना है, ये खुद छात्रों ने बताया, सुनिए। ये हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से और सरकार से कि वो हमारी नीट की अपील को सुने और उस पर एक्शन ले एज फास्ट एज दे कैन। और राहुल सर ने ये हमको दिया है कि हमको प्रॉमिस किया है कि वो हमारी इसमें जितनी पॉसिबल होगी वो हमारी उतनी इसमें हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में बात हुई कि एनटीए को दोबारा से बनाना चाहिए, गठन करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? बात नहीं हुई, सिर्फ नॉर्मली कन्वर्सेशन के बारे में कोई बात नहीं हुई। एक और छात्र ने बताया कि राहुल गांधी ने सभी नीट अभ्यर्थियों को एक आश्वासन भी दिया है, सुनिए। अब 655 पे भी लास्ट राउंड में शायद जाके कॉलेज मिलेगा, तो 615 पे लास्ट ईयर मिल रहा था, तो इतनी ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। ये पेपर लीक हुआ है और इसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करने दे रहे, तो इस सब के बारे में हमने राहुल गांधी जी से बात करी और उन्होंने हमें यही एश्योरेंस दिलवाया कि ये मुद्दा जरूर पार्लियामेंट में उठाएंगे। तो ये आप लोग चाह क्या रहे हैं वैसे, क्या रीनीट हो? क्योंकि अगर ये उस पर इन्वेस्टिगेट करने लगे, मतलब इन्वेस्टिगेट होए पहले, तो इन्वेस्टिगेशन होए उसके बाद जैसे पाया गया कि ओएमआर पाया गया कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक अगर वो पूरी तरह से ट्रेस कर पाए कितने तक लीक पहुंचा है, और कई जगह पर इस मामला सामने आया ओएमआर स्कैम भी हुआ है, मतलब कि ओएमआर ने गैप खाली छोड़ दिया और उसमें ओएमआर भरी गई है, तो इसको तो कोई ट्रेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ओएमआर ऑलरेडी भर चुके हैं, रिवैल्यूएशन भी नहीं हो सकता। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास रीनीट का। अब रीनीट हमें पता है बहुत प्रेशर होता है रीनीट देने में, और कई पता है बहुत प्रेशर को बर्दाश्त करने को तैयार, क्योंकि हमें सीट ही नहीं मिल रही। अब हमें सीट तो चाहिए, इस नंबर पे तो आराम से सीट मिल रही थी। इस दौरान 10 जनपद पर नीट अभ्यर्थियों के परिवार वाले भी मौजूद थे, उन्होंने राहुल गांधी का धन्यवाद किया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर राहुल गांधी जी जो उन्होंने एटलीस्ट हमारे बच्चों की आवाज सुनी और अपना समय दिया। हमारी एक ही मांग है, हमारे हर बच्चे को वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। देखो सरकार के सामने एनटीए के सामने इतने साक्षात प्रमाण है, लोगों ने मान लिया कि एग्जाम पेपर लीक हुआ था, बिल्कुल तथ्य सामने है, फिर भी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही मुझे नहीं पता। इससे पहले नीट पेपर लीक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम पर बीजेपी का कब्जा है, मेहनती छात्रों के साथ धोखा हुआ है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नीट पेपर लीक का मुद्दा वो संसद में उठाएंगे। इस खबर पर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी प्रगति चौरसिया ने। मेरा नाम सोनल है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।